हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ममता मसाला किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का रेसिपी हम लोग का मटर मशरूम, तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ब्राउन मशरूम लिए हैं, जिसकी क्वांटिटी 350 ग्राम है। तो अब यहाँ पर हम फ्राइंग पैन चढ़ा देंगे और सरसों तेल डाल दें। फिर तेल को गर्म होने के बाद उसमें कुछ इलायची, दालचीनी और लौंग डाल दें। फिर जीरा डाल दें। अब इसमें प्याज डाल दें कटी हुई, 3 पीस बड़े साइज़ के लिए हैं। अब उसको चला लें, प्याज भी ज़्यादा फ्राई ना करे, मतलब ब्राउन कलर ना फ्राई करे। थोड़ी देर बाद फिर से चलाएं। तो प्याज आधा फ्राई होने के बाद अदरक, ग्रीन चिलीज और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दें। आप लोग फ्लेम लो ही रखिएगा, ज़्यादा हाई ना रखें। अब अच्छे से चलाएं। फिर थोड़ा सा पक जाने के बाद अब उसमें हम लोग चॉप टमाटर डाल देंगे, जिसकी क्वांटिटी 3 पीस है और वही बड़े साइज़ की। अब उसमें नमक डाल दें ताकि हम लोग का मसाला अच्छे से पक जाए, मतलब इंग्रेडिएंट्स। अब हम लोग गर्म पानी में मशरूम को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई गंदगी ना रहे। अब साफ़ करने के बाद पानी से हम लोग पानी को भी पोंछ लिए हैं, तो देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मसाला हम लोग का पका है कि नहीं। तो मसाला हम लोग का पक गया है। अब उसको फ्लेम ऑफ़ करें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तो चलिए तब तक हम लोग मशरूम को कट कर लेते हैं। यहाँ हमने एक मशरूम के 4 भाग किए हैं, आप अपने हिसाब से साइज़ छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। बाकी मशरूम को ऐसे कट कर लेंगे हम लोग। हम लोग मसाला भी ठंडा हो गया है, अब इसको ग्राइंडर में पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लिए हम लोग। अब चलिए फिर से फ्राइंग पैन चढ़ा दें। फ्राइंग पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल दें। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाने के बाद तेज़पत्ता डालें, लाल मिर्च पाउडर डालें और ग्राइंड किए मसाले डाल दें। अब उनको अच्छे से भून लें। उसमें हल्दी पाउडर डाल दें 1 टीस्पून, फिर धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। उसे भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें 2 चम्मच। और यहाँ सीजनल मटर लिए हैं, जिसकी क्वांटिटी 400 ग्राम है, उसको डालें और अच्छे से मिक्स कर लें मसाले में। अब 2 मिनट के लिए लीड से ढक के रख दें। तो फिर देख लेते हैं, 2 मिनट हो गया हम लोग का। अब उसमें दही डाल दें 3 चम्मच। दही डालते वक्त आप लोग फ्लेम ये लो रखें और उसको चलाते रहें, क्योंकि दही फट भी सकती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम आपको लो ही रखें। तो मसाला हम लोग का अब उसमें ये कटी हुई मशरूम डाल दें। अब मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें मशरूमों को। अब
अब उसमें डाल दें नमक, नमक आपने स्वाद अनुसार डाल लेना है। अब लीड से ढक के रख दे 2 मिनट के लिए, तो फिर देख लेते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है। अब उसमें आप कस्तूरी मेथी डालिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिएगा। उसमें धनिया पत्ता भी डालेगा, धनिया पत्ता भी आपको नहीं पसंद तो मत डालिए। और उसमें गरम मसाला डाले, अब अच्छे से मिक्स कर ले और चला ले। अब पानी डाले, पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ बिना ग्रेवी का बना इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो एक उबाल आने के बाद फिर से चला लें। अब उसमें बटर डालें, बटर ऑप्शनल है, अगर आपको बटर नहीं पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन बटर डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छी आती है ग्रेवी में। तो बटर मेल्ट हो जाने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और हम लोग का मटर मशरूम हो गया तैयार। तो इसे सर्व कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर इसे भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।